पोजिशनल पिक रहेगी जीएनएफसी। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन विजिबल है डेली चार्ट पे, और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी होते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 3-4 वीक का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी विजिबल है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसके वीकली और की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे। और मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखे तो एक वी शेप रिकवरी इसमें विजिबल है मंथली चार्ट पे, और हमें लगता है कि ये पूरा वी शेप रिकवरी करते हुए दिखेगा और ब्रेकआउट भी इसमें मंथली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिखेंगे आगे आने वाले समय में। तो जीएनएफसी को यहाँ से बाय करने की सलाह देंगे। 487-488 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 488 से 475 ये बाइंग रेंज रहेगी, 460 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 560 तक की अपसाइड हमें लगता है जीएनएफसी में आते हुए दिख सकती है। तो पोजिशनल बेसिस पे जीएनएफसी बाय करेंगे।